हेलो दोस्तों, आपने थंबनेल तो पढ़ ही लिया होगा सबसे पहले कि जो किस्त पर बाइक लिए हैं वो अब रोएंगे, और क्यों रोएंगे ये भी हम जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप देने वाले हैं। चाहे आप जो भी बाइक किस्त पर खरीदे हैं, तो दोस्तों थंबनेल पढ़कर आप चौंकिएगा मत, बस आप पूरी जो है समझिएगा एक एक पॉइंट को, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो दोस्तों, जैसा कि अगर मान लीजिए कि आपने HF डिलक्स बेसिस ख़रीदा है, आपने कोई भी मॉडल चाहे पैशन प्रो या फिर HF डिलक्स अगर आपने ख़रीदा है बेसिस फाइनेंस पर, किस्त पर, चाहे आप जो भी खरीदे हो, चाहे सुपर खरीदे हो, जो भी खरीदे हो, तो यहाँ पर आप रोएंगे क्यों, ये हम आपको जानकारी पूरी देने वाले हैं। देखिए, जब आप बाइक खरीदते हैं तो फाइनेंस पर आप इसलिए खरीदते हैं कि आपकी जो पैसा है वो आपको बचत हो, यानी आपके पास उतनी बचत नहीं होती है कि जैसे मान लीजिए HF डिलक्स ये 61,000 रुपये है, अब आपने अगर इसको 15,000 रुपये या 20,000 रुपये देकर ख़रीद लिया है, तो इसलिए ख़रीदा है कि आपके पास उतना पेमेंट नहीं था कि आप इसकी जो है पूरा जो है इसका पेमेंट कर सकें। तो फाइनेंस पर लेने के लिए आपने इसीलिए लिया होगा कि ताकि आपकी बाइक सस्ती पड़ जाए और कम प्राइस में ये पड़े। तो ये आपके लिए उल्टा हो जाता है दोस्तों। उल्टा कब हो जाता है कि जब ये आप सस्ती के लिए ख़रीदते हैं, और ये आपको समझ लीजिए कि नगद कैश से ये बहुत ही ज़्यादा महंगी पड़ जाती है। कैसे पड़ती है ये हम आपको बताते हैं। तो जैसे कि अगर आपने इसको फाइनेंस पर ख़रीदा है और आपकी जो किस्त बनी हुई है EMI, जैसे मान लीजिए कि आपके 3,000 रुपये की EMI बनी है, तो 3,000 रुपये आपको मान लीजिए 5 तारीख को पे करना है। तो अगर आपने 5 तारीख को नहीं पे किया है, तो यहाँ पर जो आपकी कंपनी है जो फाइनेंस किया है किस्त पर, वो आपको अगर उस टाइम पर नहीं पे करोगे तो 500 रुपये का वो चार्ज एक्स्ट्रा लगाएगी, लेट फाइन, और उसके बाद आपको 300 रुपये का, 295 रुपये का जो आपने बैंक का डॉक्यूमेंट्स दिया है, जिस बैंक को आपने ऐड किया है किस्त कटने के लिए, वो आपका 295 लगाएगी। तो हो गया आपका टोटल 800 रुपये। तो 800 रुपये का आपका फटका लगेगा, यानी 3,000 की जगह आपको 800 रुपये और 3,800 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। तो लगा ना, समझ लीजिए, रोने की बात है ना, कि आप अगर पैसा बचा रहे हो कि यार मैं किस्त पर ले रहा हूँ तो थोड़ा सा मेरी सस्ती पड़ जाएगी बाइक, तो अगर 800 रुपये एक ही किस्त की अगर ज़्यादा पड़ेगी तो रोना पड़ सकता है कि नहीं पड़ सकता, आप बताइए। तो ये एकदम इम्पोर्टेंट वीडियो है, मैंने सोचा कि आप सभी के लिए ज़रूर मैं जानकारी दे दूँ। दोस्तों, मुझे बहुत ही ज़्यादा इंस्टाग्राम पर मैसेजेज आ रहे थे कि सर जो है जैसे हमने फाइनेंस कर लिया है तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है, मैं क्या करूँ क्या नहीं। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आपकी EMI दोस्तों किस्त बनी हुई है, आप बिल्कुल टाइम से उसको पे करते रहें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे दोस्तों तो 100% आपके लिए प्रॉब्लम आ सकती है। दोस्तों, अगर आप ऐसा करेंगे जैसे आपने अगर किस्त पर लिया है, तो टाइम से टाइम आप उसकी जो है EMI चुकाते रहें दोस्तों, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ताकि आपकी बाइक सस्ते के लिए लिए हैं तो सस्ती ही पड़े, नहीं तो आपको दोस्तों महंगी पड़ सकती है। तो ये जानकारी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें दोस्तों। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक्स।